गोधन के इंतहाई मुतहरिक काउंसलर मीर नज़ीर अली डब्बू, जिनके खिदमत हमेशा गोधन की अवाम के हक में बिल्कुल मुफीद होते हैं, और उन्होंने अपनी काविशों को जारी रखते हुए हुकूमत से मुतालिबा किया है कि जिस तरह तेलंगाना की हुक्मरान जमात की जानिब से शहर हैदराबाद की अवाम को पीने का पानी मुफ्त दिया जा रहा है, इसी तरह गोधन में भी हुकूमत की जानिब से बिल्कुल पीने का पानी अवाम को मुफ्त देना चाहिए। तो आइए देखते हैं मीर नज़ीर अली डब्बू की इस काविश को तफसील से। कमिश्नर साहब, डिप्टी साहब, आपका वाटर बस का आपका है इश्यू। मैं टीआरएस गवर्नमेंट का और केटीआर साहब का, केसीआर साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो जनवरी 1 से हैदराबाद में पानी के लिए बिल्कुल माफ़ कर दिए। आपको मालूम होगा, पेपर में पड़े मेरा, जो म्यूनसिपल टैप का कनेक्शन जो पैसे लगते हैं ना, जनवरी 1 से जीएमसी में टोटल माफ़ कर दिए। जो अपने पास 100 रुपीज लेते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं लेंगे, बोलते जनवरी 1 से। भाई जरा एक मिनट, जरा पूरे हर काउंसिल से रिक्वेस्ट है, जनवरी 1 नीचे कागज नियम की पैसा तीसो जीएमसी जियो पास చేసిన కేసీఆర్ గారు కేటీఆర్ గారు దానికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను। वही अपने पास गोधन म्यूनसिपालिटी से भी अपने पास से टैप कनेक्शन जनवरी 1 से नहीं लेंगे बोल के अपन तीर्मान करके गोधन से भेजेंगे साहब। एक सबसे रिक्वेस्ट है मेरे को, ताकि जो भी है गरीब आदमियों को फायदा होता है, वाटर का बिल नहीं लेंगे हम, तीर्मान कर रहे हैं काउंसिल से।